आज हम जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बनाएंगे और इसे पंच मेवा पाक भी कहते हैं, लेकिन आज हम बहुत सारे इसमें मेवा डालेंगे और इसे हम बिना चीनी और कम से कम घी के साथ बनाएंगे तो ये खाने में भी हेल्दी रहेगा। और आज जो हम मेवा पाक बनाएंगे इसे हम बिना किसी तामझाम बिल्कुल आसान विधि से बनाएंगे, तो अगर आप पहली बार भी बनाओगे तो भी मेवा पाक परफेक्ट बनेगा। और मैंने जो ग्रेटेड कोकोनट लिया है वो मैंने रेडीमेड लिया है, डीमार्ट से लिया है, और आप चाहे तो सूखा नारियल को कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हो। तो मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून घी लेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोंद लिया है और ये एडिबल गोंद है। घी हल्का सा गर्म हो जाए तो हम गैस की आंच स्लो कर देंगे और इसमें गोंद डालकर इसे फ्राई करेंगे, और गोंद को हम धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से सीख सके। और गोंद का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। गोंद फ्राई हो गया है तो इसे हम घी से निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश अच्छे से फूल गई है तो इसे हम घी से निकाल लेंगे। अब उसी में हम अखरोट डाल देंगे, बादाम और काजू भी ऐड करेंगे। अब इसे भी हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर काजू का कलर चेंज हो गया है तो उसी के साथ हम सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। और चटकने की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए कि हमने जो सीड्स ऐड किए हैं वो भी भून गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम घी से निकाल लेंगे। अब घी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से मैंने 2 टेबलस्पून घी निकाल लिया है। अब उसी के साथ हम मखाने ऐड करेंगे और मखाने का कलर भी हल्का सा गोल्डन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मखाने भी अच्छे से भून गए हैं तो इसे भी हम अलग निकाल लेंगे। अब सबसे आखिर में हम कसा हुआ नारियल ऐड करेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। तो नारियल को भूनने में घी की ज़रूरत नहीं है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो इसमें ये भून जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को भून लिया है और खसखस को भुनना रह गया था तो सबसे आखिर में इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। खसखस भुन गई है तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को भून लिया है, अब कोपरा और खसखस को पीसने की ज़रूरत नहीं है और ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसे हम बारी बारी पीस लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें मखाना डाल देंगे। मखाना को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब मिक्सी जार में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम दरदरा पीस लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम मखाना के साथ ऐड करेंगे। अब मिक्सी जार में हम गोंद और किशमिश डाल देंगे तो इसे भी हम पीस लेंगे और इसे भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐड करेंगे। तो हमने जितनी सामग्री पीसी है वो इतना हुआ है। अब उसी के साथ हम नारियल और खसखस भी ऐड करेंगे और सबसे आखिर में इसमें इलायची ऐड करेंगे। तो सभी सामग्री मिलाकर हमारी यहाँ पर 1 बाउल जितनी सामग्री हुई है तो इसे हम अलग निकाल लेंगे। अब उसी बाउल का मेजरमेंट करके हम गुड़ लेंगे। तो गुड़ हम आधा लेंगे या फिर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उसी के हिसाब से गुड़ ले सकते हो। तो मेवा पाक बनाने के लिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है, बस सभी चीज़ों को भुनने में ही थोड़ा टाइम लगता है और फिर ये रेसिपी फटाफट बन जाती है। अब मेवा पाक को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का टिन लिया है और इसे मिठाई टिन कहते हैं, और इस तरह का टिन आपको बेकिंग मटेरियल मिलता हो ऐसी कोई भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। अब मेवा पाक को हम आसानी से निकाल सके इसलिए मैंने यहाँ पर ओडी इकोबेक बेकिंग और कुकिंग पेपर लिया है। वैसे तो हम इसका बेकिंग में यूज़ करते हैं लेकिन बेकिंग के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हेजल फ्री और कन्वीनियंट है और ये नॉनस्टिक और रीयूजेबल है तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इकोबेक पेपर को हम टिन की साइज में कट करेंगे और इसे हम टिन में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें टिन को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने टिन को रेडी कर लिया है। अब हमने जो घी निकाल लिया था वो घी हम पैन में ऐड करेंगे।
उसी के साथ हम गुड़ भी ऐड करेंगे। अब मध्यम आंच पर हम इसे चलाते हुए पका लेंगे, तो गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना होगा। अब उसी के साथ हम 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिश्रण में उबाल आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और पीसी हुई सारी सामग्री इसमें ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस चालू करेंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए चलाते हुए पका लेंगे और लगे कि मिश्रण ने कढ़ाई छोड़ दी है तब हम गैस बंद कर देंगे और इस प्रोसेस को कुछ सेकंड ही लगेंगे। तो इसे हम इकोबेक पेपर लगाए हुए टिन में निकाल लेंगे। और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। और इसे हम बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा कसा हुआ नारियल भी ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक हम ठंडा कर लेंगे और पाक जब हल्का सा गर्म हो तब हम इसमें कट्स लगा देंगे। इसमें काफ़ी सारा नारियल है इसलिए कट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। अब इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने में 1 से 2 घंटा लगेगा। तो इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेवा पाक अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम टिन से निकाल लेंगे। तो आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।